सब्सक्राइब कीजिए मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर ही PRG रन कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अदर सॉफ्टवेयर का डेटा मार्ग में इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब सपोज कोई कस्टमर अदर सॉफ्टवेयर यूज करता है और अब वो मार्ग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है, तो इसके लिए पहले अदर सॉफ्टवेयर का सारा इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग डेटा मार्ग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सारा डेटा मार्ग में कन्वर्ट करने के लिए आपको PRG यानी कि प्रोग्राम रन करना होगा। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आप जिस ट्रेड का डेटा माइग्रेट कर रहे हैं उस ट्रेड की एक न्यू कंपनी मार्ग सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सेटअप कंट्रोल रूम में ओपन कर लेंगे, जैसे डबल डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट एटसेट्रा। तो जो भी ऑप्शन आपको ऑन करने हैं उन्हें ऑन कर लेंगे। देन अब आप रिपोर्ट्स मेन्यू से मैनेजमेंट रिपोर्ट, फिर डेटा ट्रांसफर यूटिलिटी एंड फिर डेटा ट्रांसफर पर आएंगे। फिर यहाँ डाउनलोड लेटेस्ट ट्रांसफर कमांड्स सिलेक्ट करेंगे और अब आप यहाँ सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर का नाम एंटर करेंगे जिसका डेटा आप मार्ग में इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एंटर करते हैं लॉजिक, एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम दिखा रहा है, किस ट्रेड का सॉफ्टवेयर है वो शो कर रहा है। इस पर एंटर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे तो डेटा ट्रांसफर यूटिलिटी का पॉपअप शो हो जाएगा। और अब यहाँ से आप स्टार्ट इम्पोर्टिंग डेटा पर आएंगे। देन अब आप यहाँ ये स्पेसिफाई करेंगे कि जो डेटा आप इम्पोर्ट कर रहे हैं वो एक्सेस यानी .mdb का है, SQL का है या DBF फाइल में है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस क्लाइंट का डेटा MDB में है, तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं एक्सेस, एंटर की प्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि MDB को DBF में कन्वर्ट करना है या नहीं, तो हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ यस करते हैं। यस करते ही ओपन विंडो खुल जाएगी जहाँ से आप उस लोकेशन पर आएंगे जिस लोकेशन पर क्लाइंट का बैकअप डेटा है। तो अब डेटा सिलेक्ट करके ओके करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये पासवर्ड एंटर करने के लिए कह रहा है। अब जैसे कि किसी केस में MDB का डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और किसी केस में नहीं होता, तो अब जैसे कि जो क्लाइंट का डेटा है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो इसलिए यहाँ पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड ब्रेक करने के लिए पहले आप एक्सेस इम्पोर्ट, जो कि मार्ग का अपना सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है, तो इसे पहले आप इंस्टॉल कर लेंगे और एक्सेस इम्पोर्ट के थ्रू आप सिंगल क्लिक में MDB को DBF में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही अगर कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो उसे ब्रेक भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक्सेस इम्पोर्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब एक्सेस इम्पोर्ट फोल्डर ओपन करते हैं। देन यहाँ imputl.exe है, इसे रन करते हैं। देन स्टार्ट करेंगे और अब ब्राउज बटन पर क्लिक करके एक्सेस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं और आप देख सकते हैं जो पासवर्ड इस MDB में लगा हुआ था वो यहाँ ब्रेक होके शो हो गया है। अब कॉपी पासवर्ड क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड कॉपी करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। देन अब जो पासवर्ड कॉपी किया है उसे यहाँ पेस्ट करके ओके कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि डेटा MDB से DBF में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ ये उस लोकेशन का पाथ दिखा रहा है जहाँ डेटा कन्वर्ट हुआ है, मतलब जिस लोकेशन पर क्लाइंट के डेटा का बैकअप है उसी लोकेशन पर कन्वर्ट हुआ है। तो अब इस लोकेशन पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ logic_data के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है जहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा DBF में कन्वर्ट हो गया है। फिर यहाँ दिखा रहा है लॉजिक डेटा एक्सटेंशन, मतलब लॉजिक का जो डेटा कन्वर्ट हुआ है उसका एक्सटेंशन यहाँ शो हो रहा है, जैसे DBF में कन्वर्ट हुआ है तो इसलिए DBF दिखा रहा है। फिर है विद आउटस्टैंडिंग, कि आप लेजर्स को विद आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं, तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ यस या नो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओनली बैलेंस, अगर आपको सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करना है तो अपने अकॉर्डिंग मासिक के लिए यस या बिल बाय बिल के लिए नो कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट एंड फाइनेंशियल ईयर एंड डेट एंटर कर देंगे। फिर जैसे अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक का, यानी प्रीवियस ईयर 2017 से 2018 का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं
तो यहाँ VAT सेट करेंगे, और अगर 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो GST सिलेक्ट करेंगे। तो अभी जैसे हम यहाँ GST सेट करते हैं, इसके बाद यहाँ सेल्स कैलकुलेशन टाइप, सेल्स रिटर्न कैलकुलेशन टाइप, परचेज कैलकुलेशन टाइप एंटर कर देंगे। देन यहाँ स्टेट कोड आ जाएगा, फिर स्पेसिफाई करेंगे कि जो आपका क्लाइंट है रिटेलर है या होलसेलर, देन सॉफ्टवेयर किस ट्रेड का है स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो फील्ड्स या वेरिएबल्स हैं ये स्टैंडर्ड हैं, बट यहाँ ये जो वेरिएबल्स हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कस्टमर के सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है किसी क्लाइंट का PRG में ये ऑप्शन शो हो और किसी में ना हो, मतलब कि ये वेरिएबल्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ अपडेट टैग्स फ्रॉम सेल परचेज फील्ड्स को यस करते हैं, देन श्योर टाइप करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है, और इंपोर्ट होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिल्स को रीसेव भी कर लेगा और फाइल मेंटेनेंस एंड एरर चेकिंग भी रन कर देगा। और अगर बिल में डिफरेंसेस हैं तो इस तरह से फिर डिफरेंस की टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप MDB यानी एक्सेस के डेटा मींस क्लाइंट के डेटा को मार्ग में कन्वर्ट या माइग्रेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप SQL का डेटा DBF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि SQL का डेटा DBF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर क्लाइंट का डेटा ऑलरेडी DBF में है तो उसके डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी पहले आप डेटा ट्रांसफर पर आएंगे, फिर डाउनलोड लेटेस्ट ट्रांसफर कमांड सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम एंटर करेंगे जिसका डेटा आप मार्ग में इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एंटर करते हैं मेडी, इस पर एंटर प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे, देन स्टार्ट इंपोर्टिंग डेटा पर आएंगे। देन अब आप यहाँ मेडी डेटा पाथ स्पेसिफाई करेंगे, मतलब जिस लोकेशन पर मेडी का डेटा है उस लोकेशन का पाथ मेंशन कर देंगे। फिर मेडी डेटा एक्सटेंशन स्पेसिफाई करेंगे DBF, फिर है फॉर हिस्ट्री, मींस अगर प्रीवियस ईयर के डेटा की हिस्ट्री भी ट्रांसफर करनी है, जैसे अगर 15, 16, 16, 17, 17, 18 की हिस्ट्री ट्रांसफर करनी है तो फाइनेंशियल ईयर के डेटा का पाथ यहाँ इन फील्ड्स में मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ भी वही ऑप्शंस हैं कि विद आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर करना है या नहीं। इसके बाद अगर आप मास्टर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो Y सेट करेंगे और फुल के लिए नो सेट करेंगे। देन यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगिन डेट एंड लास्ट डेट मेंशन कर देंगे, फिर GST, स्टेट कोड, बिजनेस टाइप आ जाएगा, फिर सिलेक्ट करेंगे कि रिटेल है या होलसेल, और फिर श्योर टाइप कर देंगे। तो आप देखेंगे कि डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है, और इंपोर्ट होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिल्स को रीसेव भी कर लेगा और फाइल मेंटेनेंस एंड एरर चेकिंग भी रन कर देगा। और अगर बिल में डिफरेंसेस होते हैं तो सॉफ्टवेयर डिफरेंस नेम की टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा, जो अभी हम पहले देख चुके हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर ही PRG रन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।